So hi and welcome to this another episode with me Arshia. I hope you guys are doing good and welcome to this another update जहां पे हम बात करने वाले हैं SRCC GBO के एग्जाम के बारे में जिसके रजिस्ट्रेशंस ओपन हो गए हैं. So let's begin. So welcome back to this episode. Before starting this episode, मैंने लास्ट ईयर एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था who is currently studying at Sri Ram College of Commerce and while taking his interview he told me that मेरी मम्मी ने आपका वीडियो शेयर किया था कि you can apply for this specific examination and then how I get to know about the college. I applied for it, I cracked it and now I am studying, right? So that was the whole story about that interview. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप एक बार वो भी चेक कर सकते हैं. पर क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आरओआई के लिए कॉलेजेस देख रहे होते हैं उनकी लिस्ट में ये भी कॉलेज होता है. वैसे तो ये कॉलेज स्पेसिफिक एग्जाम है. अगर हम एग्जाम के ओवरव्यू की बात करें, दिस इज बेसिकली श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली. बीइंग कैपिटल ऑफ इंडिया, यू फाइंड मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, कंपनीज दैट लाइव इन मेट्रो. यस, आई मीन आई हैव बीन रिसेंटली बीन टू दिल्ली एंड ट्रस्ट मी, आई मीन मेरी एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन की जर्नी इतनी हैक्टिक थी कि मैंने 5 लाइंस बदली एंड आई डोंट नो हाउ पीपल ट्रैवल इन आई डोंट नो. चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें. 11 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं. लास्ट डेट 15 जनवरी 2024 है. दैट मीन्स you roughly have a whole month to apply for this examination. Exam date 24 February है. 3 बजे से 5 बजे के बीच एग्जाम रहेगा. तो ये डेट्स हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम 50% ST SC OBC एंड PWD कैंडिडेट्स एंड जो भी फाइनल ईयर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन. एग्जाम पैटर्न की बात करें, ऑब्वियसली कंपैरेटिवली कैट से इजी होता है, राइट? सबसे पहले इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज एबिलिटी. अगर आप कैट के लिए या फिर दूसरे MBA एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो काफी कुछ सिमिलैरिटीज होती है व्हेन इट कम्स टू एंट्रेंस एग्जाम. क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन जैसी चीजें रहती हैं. इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें, ऑनलाइन टेस्ट रहता है इंग्लिश लैंग्वेज. हर ईच ऑनलाइन कॉम्पोनेंट में 40 क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस होती है. हर क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है. करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलता है एंड नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1 मार्क्स की अगर आप नेगेटिव गलत आंसर देते हो. और जो टेस्ट का ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटे का होता है, राइट? देन उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद स्टूडेंट को GDPI के लिए अपेयर करना पड़ता है. देन 75% द ऑनलाइन टेस्ट का 75% वेटेज होता है, GDPI का 25%, ऑफ विच GD शेल हैव वेटेज ऑफ 10% एंड PI शेल हैव अ वेटेज ऑफ 15%. तो ये कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस है, राइट? थ्रू दिस यू कैन गेट इन टू श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स विच इज क्वाइट नोन फॉर देयर ROI. वील हैव अ रिव्यू बट बिफोर टेकिंग एडमिशन आप एक बार वो चैनल आप इंटरव्यू जाके चेक करो. यू विल गेट टू हैव एन आइडिया दैट आइदर आई should apply or not. Baki, do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.